द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं शिफाली, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप नेगेटिविटी का शिकार हैं, अगर आपका मन स्थिर नहीं रह रहा, अगर आपको भूत प्रेत का साया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज हम वीडियो में कुछ योगों की बात करेंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, प्रोफेसर, कुछ लोगों का मन स्थिर नहीं रहता, मूड स्विंग होते रहते हैं, कुछ लोगों को नेगेटिविटी का एहसास होता है। कई बार क्या होता है, सूक्ष्म रूहें जो हैं वो दिखती रहती हैं। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे हमारे पीछे कोई है। तो ऐसे कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं या कौन सा ऐसा ग्रह खराब होता है, अगर कोई ग्रह खराब होता है तो उसके उपाय कौन से हैं? बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे आपके लिए। बहुत अच्छी बात की आज आपने शिफाली जी, कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे हमें डर लगता है। कई दफ़ा कुछ ऐसी रूहें हमें दिखाई देती हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। वो कहता हमें मुझे दिख रहा है, वो कहता है मुझे तो दिखाई नहीं दिया। कई दफ़ा आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया में, मैंने भी वीडियो देखी है कि एक इंसान ऐसे 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 देख रहा है, देखते देखते ऐसे ही डेथ हो जाती है। तो ऐसा कैसे उनकी ज़िंदगी में क्यों होता है? जो उनको सूक्ष्म रूहें दिखाई देती हैं, जो छोटे होते बच्चे अकेले डरते हैं, सो नहीं पाते, चिल्लाने लगते हैं। कई दफ़ा तो इंसान बूढ़ा होने को होता है तब भी मुंह में बड़बड़ाता ही रहता, सोते वक्त ही बातें करता रहता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा इंसान चल रहे हैं, चलते चलते हवा के साथ बातें करते रहते हैं, कई दफ़ा देखा होगा, ऐसा क्यों? आज शिफाली जी ने बात की चंद्रमा के। ये चंद्र से ही सब कुछ होता है। पहले पिछले एपिसोड में सूर्य की बात की, मैंने आपको बताया था कि मैं लाइटों में एपिसोड नहीं करता। ये जो लाइटें होती हैं ये स्किन को खाती हैं, बाल झड़ जाते हैं और बाहर सर्दी बहुत है, इसलिए हमने फिर बहुत देर से एपिसोड कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अंदर बैठ के एपिसोड कर लें, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, नहीं तो चंद्र की बारी बहुत देर पहले से ही निकल जानी थी। जी प्रोफेसर, 99% लोगों का चंद्रमा खराब होता है ना। हाँ, बिल्कुल शिफाली जी, बिल्कुल। चंद्रमा ज़्यादातर लोगों का खराब ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका चंद्रमा अच्छा होता है। जैसे कि शिफाली जी का चंद्रमा चौथे घर में है, अकेला बैठा हुआ है। मेरा भी चंद्रमा चौथे घर में है, अकेला बैठा हुआ है। चंद्रमा चौथे घर में अकेला बैठता है वो भी अच्छा नहीं होता। कारक भाव भाव नश। चंद्र अकेला चौथे घर में अपने कारक घर में आ जाए तो भी अच्छा नहीं होता। अगर किसी ग्रह की, अच्छे ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हो, अगर कोई अच्छा ग्रह उसके साथ बैठा हो तो अच्छा होता है। जैसे कि चंद्र के साथ गुरु आ जाए, गज केसरी योग बनाता है। चंद्र के साथ मंगल आ जाए, लक्ष्मी योग बनाता है। चंद्र के साथ शुक्र आ जाए, महालक्ष्मी योग बनता है। चंद्र के साथ अगर शनि आ जाए तो बहुत ख़राब होता है। राहु आ जाए तो ग्रहण योग होता है। राहु आ जाए तो अर्ध ग्रहण योग होता है। केतु आ जाए तो फुल ग्रहण योग होता है। बुध आ जाए तो बस फिर बुध आ जाए तो इंसान घर छोड़ के भाग जाता है। हाँ, मेरे को एक पीछे याद आया, कुछ लोगों ने बोला था कि हमें उसके बारे में भी बताइए जो लोग घर छोड़ देते हैं, बच्चे खो जाते हैं, उसके ऊपर भी एपिसोड बनाएं। अगला एपिसोड हम उसके ऊपर बनाएंगे, आप अगर कमेंट में लिखोगे तब। तो ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रखता है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हर इंसान को डर लगता है। क्यों लगता है? जब कभी चंद्र के साथ केतु होता है, कहता है लाल किताब कहती है चंद्र और केत ना घर ना खेत। ऐसे इंसान को ना तो घर चैन आता है। अगर वो घर में बैठा होता है दिल करता है बाहर भाग जाऊँ, अगर वो बाहर होता है दिल करता है भाग के घर में आ जाऊं। ऐसे ही जब चंद्र के साथ शनि आता है तो ऐसे इंसान के जितनी भी घर में औरतें होती हैं सभी की सभी परेशान होती हैं।
चंद्र के साथ बुध आ जाता है तो दिल करता है आत्मघात कर लूँ, लोग इनको मार दूँ, इनको खून कर दूँ मैं इसका, और खुद मैं फांसी पे चढ़ जाऊँ। चंद्र के साथ बुध आ जाए तो घर छोड़ के भाग जाता है इंसान। चंद्र के साथ राहु आ जाए तो हर चीज़ की परछाई से डरने लगता है बंदा, कहता है यार मेरे पास कोई खड़ा हुआ है नहीं, ये मेरे पास में गुजरा है अभी अभी। चंद्र के साथ राहु आता है तो ऐसे ऐसे योग बनते हैं जो कि कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे, जो इंसान को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। शनि चंद्र को दसवीं दृष्टि से देख रहा होगा और चंद्र के साथ राहु बैठा होगा और बुध कहीं ना कहीं पीड़ित होता तो उसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं। बहुत ध्यान से योग के बारे में सुनिए। शनि दसम दृष्टि से देख रहा होगा, सप्तम दृष्टि से नहीं, दसम दृष्टि से। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी खतरनाक होती है लेकिन सबसे ज़्यादा खराब होती है दसम दृष्टि, क्योंकि दसवें घर का वो खुद मालिक होता है, मकर राशि आती है। तो दसवीं दृष्टि से जब चंद्रमा को देखेगा, ऊपर से राहु के साथ पीड़ित होगा चंद्र, तो ऐसे इंसान को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। दूसरे बोल गए यार पखंड कर रहा है, हमें तो कुछ दिखाई देता, तेरे को क्यों दिखाई देता है भाई? वो इसलिए क्योंकि उसकी कुंडली में ये योग होता है। भूत प्रेत पहली बात होते क्या हैं? जो सूक्ष्म रूहें होती हैं, हर इंसान की मृत्यु कई दफ़ा समय से पहले आती है, कई इंसान अपने सांस पूरे लेकर भोग कर जाता है, कुछ इंसान अचानक एक्सीडेंट, अचानक मृत्यु, जब कोई 25 लोग जा रहे होते, 3-4 लोग जा रहे होते हैं तो जिसकी आई होती है एक आधे की और दूसरे लोग उसके साथ होते हैं, तो काल फिर किसी को नहीं छोड़ता, यम किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो अपने 10 परिवार को चला रहा है, तो यम नहीं छोड़ता उसको। वो कहता तेरी भी साथ में आएगी, तो क्यों उसके साथ जा रहा था तो काल जब भी आता है तो चारों को उठा लेता है। तो जिस चारों को उठा लिया तो उनकी अगर 3 की बारी नहीं आई थी तो उनकी सांस अभी बाकी थी, तो रूहें बनकर वो नीचे घूमते रहते हैं, तो वो कभी किसी को कुछ नहीं करते, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, उसको भूत प्रेत का नाम दिया जाता है। तो ऐसे हम पढ़े लिखे लोग कभी भी इन बातों को नहीं मानते, मैं भी नहीं मानता, मैं भी नहीं कहता कुछ नहीं होता, ये सब कुछ ऐसे ही हैं, पखंड है, मैं भी पहले ऐसे ही करता था। लेकिन जब ज्ञान आता है, जब ग्रंथ पढ़ते हैं हमें ज्ञान आता है, जैसे कि गरुड़ पुराण पढ़ा है, गरुड़ पुराण में से आया है कि जब तक इंसान की सांस पूरी नहीं होती तब तक भगवान लेके भी नहीं जाता, उसको 84 लाख जुन्नों में भुगतना पड़ता है, बेतरनी नदी से गुजरना पड़ता है, बेतरनी नदी से जब वो अंदर जाता है तो हड्डियाँ, मुँह में लहू, बदबू वो आती है। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं तो बेतरनी नदी से यम आते हैं, किश्ती से वो उठाकर लेके जाते हैं, नहीं तो बेतरनी नदी में ही जाके वो दम घुट के मर जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर बेतरनी नदी से घुसता है, फिर दोबारा उसे मारा जाता है। जैसे जैसे उनने कर्म किए होते हैं वैसे वैसे इंसान जब मृत्यु के बाद वो भोगता है, जब के यमदूत आते हैं उसको बचाते हैं तो फिर नया रूप, नया रंग, सब कुछ मिलता है। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलती है कि ये चीज़ें सब कुछ होती हैं, हम विश्वास नहीं करते। ऐसे ही जब कभी चंद्र के साथ केतु आ जाए तो पूरण ग्रहण लगाता है, पूरण ग्रहण। तो ऐसे लोग बचपन से ही छोटे होते हुए रोते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई डरावनी चीज़ खड़ी हुई है, वो देख के डर जाते हैं। तो चंद्र के साथ केतु आ जाए, ऊपर से वृश्चिक राशि में आ जाए तो वो बच्चा खून नहीं बन पाता, वो पतला बच्चा होता है, वो बच्चा फूल नहीं पाता अच्छे ढंग से, फल नहीं पाता, तो उनको हमेशा ही डर लगा रहता है कहीं ये मेरे पास में, वो मार रहा है मेरे को, वो कर रहा है, ये मेरे को मारेगा, ये मेरे को ऐसा करेगा। ये बच्चे का कसूर नहीं होता, उसकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं, तो उसको ग्रहण योग बोला जाता है। जब कभी चंद्र को ग्रहण लगता है तो हम कहते हैं भाई आपको बख्श तो जो भगवान है वही ठीक करेगा, जो चंद्र का कारका है वो गंगा जी है, आप गंगा जी में जाकर वहाँ पे ग्रहण, जब ग्रहण होगा तो हम हवन करवाते हैं, उसका हम हल करते हैं, जितनी कोशिश होती है ब्राह्मणों से हवन करते हैं, मैं नहीं करता, हम करवाते हैं, तो उससे कुछ दोष कट जाता है।
तो ऐसा अगर 3-4 दफा करवाते हैं तो दोष बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। चंद्र के साथ केतु होता है तो इंसान का ग्रहण योग होता है, चंद्र के साथ राहु होता है तो उसको वहम भ्रम लगा रहता है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। अगर चंद्र के साथ शनि आ जाता है तो उसको लगता है मैं ही सब कुछ कर लूँगा। जो घर की स्त्रियाँ होती हैं वो वरदान बन जाती हैं, बंदे की चलने नहीं देती, तो स्त्रियों को ऐसा लगता है कि हम जो समझा रहे हैं ये समझ क्यों नहीं रहा। तो उन घर में जो स्त्रियां बेचारी परेशान हो जाती हैं, जो जितने भी इन जेंट्स होते हैं वो करने की कोशिश करते हैं काम, वो कर नहीं पाते। तो चंद्र के साथ शनि कभी भी अच्छा नहीं होता। जब ऐसा होता है इंसान कामयाब नहीं हो पाता, इंसान को घर में अगर बैठा होता है तो मैं ये करूँगा ये करूँगा, जब बाहर जाता है तो बात नहीं कर पाता, नर्वस सिस्टम उसका डाउन रहता है। क्योंकि देखिए शनिदेव है शीत लहर, तो चंद्र है पानी, पानी के ऊपर से जब शीतलहर गुजरेगी तो पानी जम जाएगा, दिमाग काम नहीं करता, मैं इसको इसकी बात का जवाब कैसे दूँ, इसने मेरे को ये क्या बोल दिया, मैंने तो उसको ये बोलना था, बाद में याद आता है तो ये तो मेरे को बोल के चला गया, अब वो सो नहीं पाता गुस्से से। ये चंद्र और शनि का मेल होता है तब ऐसा होता है उसके साथ। और कहीं ना कहीं चंद्रदेव खराब राशि में पड़े हों। खराब राशियां चंद्र की कौन सी राशि में खराब पड़ते हैं? चंद्रमा कभी भी बुध की राशि में अच्छे नहीं होते। वैसे कन्या राशि तो बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो बुध की अच्छी राशि होती है। बुध की एक बुरी राशि होती है मिथुन राशि। ऐसे ही चंद्रमा जब कभी शनि की राशि में आते तो अच्छे नहीं होते, लेकिन शनि की मकर राशि अच्छी नहीं होती, शनि की कुंभ राशि अच्छी होती, उसमें चंद्रमा अच्छे माने जाते। कुंभ राशि शनि की अच्छी राशि होती है। ऐसे ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में अच्छे नहीं होते क्योंकि मंगल की दूसरी राशि है वृश्चिक, तो मंगल की पहली राशि मेष होती है, उसमें चंद्रमा अच्छे होते हैं। ऐसे चंद्रमा कुछ राशियों में अच्छे होते हैं, कुछ राशियों में बुरे होते हैं। तो जब कभी बुरी राशि में आ जाए तो बुरे योग के साथ जुड़ जाता है चंद्रमा, तो खराब योग होता है। अब आई बात चंद्र के साथ बुध आ जाए, अगर चंद्र ग्रह के साथ बुध आ जाता है, देखिए चंद्रमा दूध भी बोला गया है, चंद्रमा को दूध, शुद्ध चंद्रमा दूध, कच्चा दूध जो अभी अभी गाय ने दिया या भैंस ने दिया, उसमें अगर आप कच्चे दूध में खटास नींबू डाल दोगे तो क्या होगा? देखिए बुध ग्रह क्या करवाता है, फटकड़ी, अगर फटकड़ी डाल दोगे तो क्या होगा? देखिए वैसे पूरे नींबू के रस को केतु बोला गया, लालकथा बोलती है ये केतु होता है, जे केतु मैं उसको मानता हूँ जिसमें थोड़े से मसाले डल जाते हैं, खटास में मसाले, जैसे कि गोलगप्पों का पानी जो होता है वो केतु होता है, वो मैं केतु मानता हूँ। तो जिसके 11वें घर में केतु होता है तो उसको जरूर गोलगप्पे खाने चाहिए भी, वो कामयाब हो जाता है। चलो ये बात मेरे बीच में आई तो मैंने बोल दी। हाँ इसलिए वो बुध ही होता है, तो अगर हम दूध में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। इसलिए जब कभी चंद्र के साथ बुध बैठता है तो वो निर्णय लेना इंसान सही निर्णय नहीं ले सकता, भूल जाता है यार मैंने ये क्या बोला था, ये क्या हो गया, ये तो मैंने ये करना था, ओहो ये मेरे से क्या हो गया। तो ऐसा इंसान कहता है मेरे को जिंदगी भर सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा खुशियों का कारका और लिक्विड मनी सुख चैन का कारका, सुख और चैन ये चंद्र से आता है, तो वो तो खराब हो गया बुध के साथ, तो ऊपर से लिक्विड मनी नहीं रहेगी, मन परेशान रहेगा। तो इस स्थिति पे क्या बच्चा क्या करता है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, वो घर छोड़ के चला जाता है। तो बुध और चंद्र का मेल सबसे ज़्यादा खराब होता है अगर कहीं वृश्चिक राशि में आ जाए तो। वृश्चिक राशि होती है मंगल की, तो जो बुध ग्रह होता है वो भी मंगल का दुश्मन, जो चंद्र है वो भी वृश्चिक राशि में नीच के, ये दोनों ही बहुत खराब होते हैं। ऐसे बच्चे बचपन में ही छोड़ देते हैं सब कुछ, जल्दी कैरियर को स्टार्ट नहीं कर पाते। चंद्र के साथ अगर ये ग्रह आते हैं तो बहुत खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, उनको साए दिखाई देते हैं, उनको डर लगता है, रात को सो नहीं पाते। तो मैंने आपको सभी योगों के बारे में बता दिया, चंद्रमा कौन कौन सी राशि में खराब होते हैं उनके बारे में बता दिया, और कौन कौन किसी ग्रह के साथ बैठते हैं
तो भी कितना नुकसान होता है, तब भी खराब होते हैं। जैसे कि चंद्र के साथ केतु आया तो मैंने बोला हम गंगा के किनारे हवन करवाते हैं, तो ये हल है। चंद्र के साथ बुध आता तो और उपाय होते हैं, चंद्र के साथ शनि आता तो और उपाय होते हैं, चंद्र के साथ राहु आता तो उपाय और होते हैं, कौन सी राशि में आते हैं तो पर्टिकुलर उपाय और होते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी उपाय बोलता हूँ तो लोग सब वो उपाय करना शुरू कर देते हैं, तो कई दफ़ा ऐसा होता है क्या दफ़ा उनकी कुंडली के मुताबिक वो उपाय बनता है या नहीं। प्रोफेसर, जिनका चंद्रमा खराब होता है, क्या पूर्णमासी के जो आसपास के दिन होते हैं या पूर्णमासी का दिन होता है तो उनको क्या परहेज करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पाली जी आपने। ये जब भी चंद्रमा खराब होता है तो आपने देखा जब भी ज्वार भाटा आती है तो पूर्णमासी के दिन ही आती है, पूर्णमासी के नज़दीक तो पानी उछलता है। आपका चंद्रमा खराब है, आपका मन जो उछलेगा तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि शेफाली जी ने बोला, क्या हम कुछ कर सकते हैं? आपने पूर्णमासी को दो दिन पहले जो खीर बनानी है, वो खीर आप, मैंने पहले भी कई एपिसोड में बता रखा है, मलमल के कपड़े में ऊपर देके चंद्रमा की रोशनी में उसमें आनी चाहिए, तो वो सुबह उठ के आप खा सकते हो, उससे आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। ये जनरल उपाय। प्रोफेसर, अभी आपने बेतरनी नदी की बात की, तब याद आया कि प्रोफेसर, जो लेडीज़ को हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, जैसे पीरियड्स की दिक्कत आती है, तो ये सब क्या चंद्रमा के खराब होने से ही होता है? बिल्कुल शेफाली जी, जब चंद्रमा 8th हाउस में आता है कभी खराब राशि में आ जाए, चंद्रमा 6th हाउस में आ जाए तो कभी खराब राशि में आ जाए, तो ऐसी प्रॉब्लम लेडीज़ को हो जाती है। डरने की बात नहीं है, बहुत आसान उपाय होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे रहना, हम ये भी उपाय बता देते हैं, और भी कौन सी राशि में पड़ा है, बहुत आसान आसान उपाय आप कर सकते हो, ठीक हो जाता है। बहुत कोई डरने की बात नहीं है, छोटे छोटे उपाय होते हैं, अगर कोई इंसान इसको फॉलो करता है और कामयाब जरूर होता है, बीमारी दूर जरूर होती है। प्रोफेसर, आपने बहुत अच्छे योगों की बात की कि अगर चंद्र बुध का मेल हो, चंद्र राहु का मेल हो, अगर चंद्र केतु का मेल हो, तो कुंडली में ये चीज़ें अगर हैं तो आप ये वाले उपाय कर सकते हैं। हरिद्वार में जाके आप स्नान कर सकते हैं, हवन यज्ञ करवा सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपके किसी मित्र या प्रियजन को इसकी ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम समझेंगे कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी बन रही है तो हमारा ये वीडियो बनाना सार्थक है। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।